शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये शगुन की थाल है। हम अपने भाई बंटी के लिए आपकी पोती स्नेहा का हाथ मांगने आए हैं। हम केवल इनके रिश्ते को मान सम्मान देना चाहते हैं। नहीं, हमने ये शादी सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए की थी, लेकिन हमें बचाने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद करना। स्नेहा, हम इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। हमसे शादी करोगे? हम जो करने जा रहे हैं ना, उसे तुम्हारी जिंदगी आसान होगी। तुम्हें शादी और बदले के बोझ से आजाद कर देंगे। ऐसा क्यों कहा श्रवणी ने? आखिर दो दिन बाद वो क्या करने वाली है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। उसने कुछ बताया तुम्हें? वो कह रही थी कि इस रिश्ते से हमको आजाद कर देगी। और तुमने कुछ कहा? हम क्या कहते हैं? अरे रोकते उसको। किस हक से रोकते हम उसको? शिपू, पत्नी है वो तुम्हारी। पत्नी? पत्नी होने का दर्जा हमने उसको दिया कब? हम तो बस उसके साथ दुश्मनी निभा रहे थे, वही रिश्ता था। और अब तो दुश्मनी भी खत्म। तो इसका मतलब अब तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं? नहीं, और ना पहले कभी था। अब उसको जो करना है वो करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो इतने परेशान क्यों हो? माँ, शिबू, खुद से और हमसे झूठ बोलना बंद करो। माँ है हम तुम्हारी, हमने देखा है तुम्हें उसे देखते हुए। हम जानते हैं कि तुम मुझसे। माँ, शिबू, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम एक बार अपने दिल से पूछ के देखो, क्या तुम्हारा दिल इस रिश्ते को तोड़ने के लिए राजी है? बहुत अधूरे काम करने बाकी है अभी। पूरे परिवार को जोड़ना है। अरे बड़की दीदी, आप इस स्टूल पे मत चढ़िए, हिल डोल रहा है, गिर जाएगा। लाइए हम चढ़ा दें। नहीं, ये फूलों की झालर हम खुद सजाएंगे। तुम एक काम करो, जाके दूसरा स्टूल ले आओ, जाओ। जी जी। ताऊजी के पास एक बेटी तो होनी चाहिए। स्वीटी और ताऊजी के बीच सब ठीक करना होगा। स्वीटी, सारा सुनो तो। बोलो। ये फूलों की झालर जरा ऊपर टांग दो ना, वो हमारा कंधा बहुत दुख रहा है। वैसे मुंह क्या बना रही हो स्वीटी? बंटी तो तुम्हारा भी भाई है ना। चलो थोड़ा सा हाथ बटा दो। लो। कौन बोलता है तुमको इतना काम फैलाने को? हाँ, कर दो, जाओ। भगवान करे हम जो करने जा रहे हैं वो सही हो। आंखें बेच के काम करती हो का? कौन कहा तुमको ऊपर चढ़ने के लिए? गिर जाती तो डॉक्टर ने मना किया है ना तुमको। ले, जरा सा धपट दिए तो रोना शुरू। नहीं पापा, आज
पहली बार आपका डांटना हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से डांटिए ना पापा, डांटिए। हमको ना आपकी चिंता दिखाई दे रही है इसमें। चिंता है तभी तो गलत काम करने से मना करते हैं तुमको। अरे ये अब लेके आ रहता है, सीटी गिर जाती ना काट के फेंक देते तुमको। बड़के बाबू, हमने बड़की दीदी को बोला था, वो स्टूल टूटा हुआ है, लेकिन उन्होंने मानी नहीं और हमको दूसरा स्टूल लाने के लिए भेज दी। चलो जाओ काम करो अपना जाके। देखिए पापा, दीदी को पता था, जानबूझ के जिद करके हमको चढ़ा दी। बोली कि उसके कंधे में दर्द है। मतलब वो चाहती थी कि हम गिर जाए। हम जानते हैं वो क्या चाहती थी। बाप बेटी के रिश्ते को उठाना चाहती थी वो। हो सकता है वो सोचती है, हम कुछ समझते ही नहीं। हम समझे नहीं। यही जो श्रवणी कर रही है, नौकरों ने हमको बताया कि स्वीटी को स्टूल पे चढ़ने के लिए श्रवणी ने कहा था। वो क्यों कहेगी? अरे हमको और स्वीटी को करीब लाने के लिए और किस लिए? श्रवणी को पता नहीं कहा हो गया, पहले बंटी की शादी के लिए मना लिया, अब हमारे और स्वीटी के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है। और उसकी वो बात कि कल से शिवांश और उसके रिश्ते पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। श्रवणी को कहीं जाने की बहुत जल्दी है और वो जाने से पहले सब कुछ ठीक करना चाहती है। आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। नहीं चंद्रा, कल रात हमने कुछ ऐसा सुना जो बहुत अजीब था, बहुत अजीब। भानु जी को जरा सी भी भनक लग गई कि श्रवणी क्या करने जा रही है तो हमारी लंका लुट जाएगी, वो बात की तह तक जाएंगे और हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसे लगता है कि वो आपको मना लेगी। आप भोले हैं ना, आप नहीं समझते हैं कि आप उसके हुकुम का इक्का है। अब डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी है तो फीस शिवांश थोड़ी ना भरेगा। बटुआ तो आपका ही चाहिए ना, खुद की सांठ गांठ बिठा रही है बस। चंद्रा, हम नहीं मानते, बात कुछ और है चंद्रा। हमारा दिल कह रहा है मरने जा रही है, लेकिन हमारा खून सुखा के मरेगी। मरे तो पिंड छूटे और फिर हम अपनी हवेली पर राज कर सके। पता नहीं इन सबकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है। ये श्रवणी पता नहीं कैसे अपनी सारी बातें मनवा लेती है। अब भानु जी को शादी के लिए भी मनवा लिया।
मना लो जलसा, रचा लो वेदी, कल तो सोग ही होगा बड़के ठाकुर का सोग। आप जो चाहते हैं वो हो नहीं सकता। क्या आपको हमारे इस रिश्ते से आजादी चाहिए ना, तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। शिवांश, हम एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, पर अब तुम्हारी ये बदले की कहानी भी खत्म हो गई। फिर हर कहानी को खत्म करने के लिए जल्दी मत कीजिए। हमारा मतलब है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये रिश्ता बहुत उलझ चुका है, और वैसे भी हमारी बहन है आपके घर, और कौन जाने कि हमारे अलग होने के बाद आपका भाई हमारी बहन के साथ क्या करे। स्नेहा की फिक्र मत करो तुम, आपको हम पसंद नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको ये रिश्ता निभाना पड़ेगा, आप चाहे या ना चाहे। शिवांश, तुम हमें अब इस रिश्ते में नहीं बांध सकते, किस्मत से लड़ा जा सकता है, जिंदगी से नहीं। बेटा, वर वधू का गठबंधन कीजिए। जी पंडित जी। अभी श्रवणी पता नहीं क्या करने वाली है, लेकिन कुछ भी कर ले, शिवांश को तो हम पा कर ही रहेंगे। वरमाला के लिए वर वधू खड़े हो जाए। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हुए, और बड़े बुजुर्गों का आप आशीर्वाद लीजिए।
अब तक हमारी दो बेटियां थी, आज तीन हो गई हैं। चंद्रा, बहू को अपने खानदानी कंगन पहना के उसे आशीर्वाद दो, उसका स्वागत करो। हमारे यहाँ नई दुल्हन का स्वागत इन्हीं कंगनों को पहना के किया जाता है। हमारी माँ ने अपनी बहू को पहनाया था, तुम अपनी बहू को पहनाओ। पहन लो कंगन, बहुत जल्दी नकेल भी पहनाएंगे, तब उड़ना। अब तक आपका पाला कच्चे खिलाड़ियों से पड़ा था सासू माँ, अब हमसे। आपके बेटे को तो पा ही किया है, इस हवेली पर राज करने में भी देरी नहीं लगेगी और अपनी मेडिकल भी पूरी करेंगे। हाँ, आशीर्वाद दीजिए अम्मा। वैसे भी कल से ये दुश्मनी की कहानी तो खत्म ही हो जानी है। सदा सुहागन रहो। तुम्हारा विवाह बहुत शुभ अवसर पर हुआ है। आज भंवर पड़े हैं और कल करवा चौथ है। करवा चौथ का व्रत खूब अच्छे से रखना। तुम्हारा पहला व्रत है ना, बहन नहीं अपनी जान दे रहा तुमको। इसकी आंख में आंसू ना आए, ध्यान रखना। अरे भाई, भाभी, हमारे मायके का सारा दुलार और सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी हुई। ताऊ जी ने एकदम ठेकुए जैसे से जितने सख्त, अंदर उतनी ही मिठास लिए हुए। एक बात का ध्यान रखना, जब इनका पारा चढ़ जाता है ना, तो इन्हें कुछ मीठा खिला देना, इनका शुगर गिर जाता है। और स्वीटी, ये ना खाने पीने में बहुत लापरवाह है, अगर खाए पिए नहीं ना ढंग से तो डपट देना हक समझ के अपना। अगर इससे कुछ काम करवाना हो तो आइसक्रीम खिला देना, सारी बात पूरी हो जाएगी तुम्हारी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ये पूरी हवेली हमें सौंप कर कहीं जा रही हो। जाना तो पड़ेगा ना। हमारा मतलब है पढ़ाई के लिए, अब पढ़ाई करने के लिए हमें जाना तो पड़ेगा, इसलिए सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहे। अच्छा, हम आते हैं। आगे बहुत सारी रस्मों की तैयारियां करनी है ना, ठीक है?
अपनों से झूठ बोला है, लेकिन ये आखिरी झूठ है। इसके बाद तो यहां कभी नहीं लौटना होगा। जाने से पहले सारे उलझे रिश्ते सुलझा के जाना है। क्या तुम शिबू की सलामती के लिए कल करवा चौथ का व्रत रख लोगी? शिवांश ने भले ही तुमसे शादी कर ली श्रवणी, लेकिन शिवांश का नाम तो सिर्फ हमारी हथेली पर होगा। यहाँ तो कलश कहीं दिख ही नहीं रहा। दीदी शायद ऊपर होगा, देखो ना, तब तक हम स्टूल लेकर आते हैं। हाँ मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।